क्या आ गई सलार के ट्रेलर लॉन्च की डेट? क्या प्रभास फिर दिखेंगे बाहुबली लुक में? फैंस ने क्यों किया प्रभास को ट्रोल? सुपरस्टार प्रभास अभिनीत तेलुगु फिल्म सलार का टीजर अगले महीने रिलीज होने की पूरी संभावना है और रिपोर्टर्स के मुताबिक जुलाई के दूसरे हफ्ते में टीजर रिलीज होने की उम्मीद है। डायरेक्टर प्रशांत नील ने टीजर का काम पूरा कर लिया है और इसे जल्द ही रिलीज किया जाएगा। प्रशांत टीजर लॉन्च करने में कोई देरी नहीं चाहते हैं क्योंकि उनका मोटिव फिल्म के आसपास प्रचार को बनाए रखना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि फिल्म को लेकर पहले ही आसमान छूने वाली खबरें बाहर आ रही हैं और KGF चैप्टर 2 के डायरेक्टर अब ऑडियंस को और इंतजार नहीं करवाना चाहते हैं। एक एक्शन ड्रामा फिल्म 2023 में हिंदी सहित 5 भाषाओं में रिलीज होने की उम्मीद है। दरअसल प्रशांत नील ने इस गर्मी में फिल्म को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत की। हालांकि फिल्म KGF चैप्टर 2 के कैंसिल होने के कारण सलार की शूटिंग भी रुक गई थी। महामारी के कारण फिल्म की रिलीज को अगले साल के लिए ढकेलना पड़ा। प्रभास के फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो क्योंकि उनकी पिछली 2 फिल्मों साहो और राधे श्याम को दर्शकों से अच्छे रिव्यूज नहीं मिले थे। इसलिए फैंस सलार के बेहतर होने की उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर ने हाल ही में KGF चैप्टर 2 जैसा मास्टरपीस बनाया है और प्रशांत ने 2 फिल्में KGF चैप्टर 1 और KGF चैप्टर 2 को डायरेक्ट किया है। प्रभास अपनी हर भूमिका में अपना बेस्ट देने के लिए जाने जाते हैं और फैंस को उम्मीद है कि प्रशांत और प्रभास की जोड़ी की वजह को सलार को बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता मिलेगी। हालांकि बता दें कि बाहुबली स्टार की फिल्म आदि पुरुष फिल्म सलार से पहले रिलीज होगी और प्रभास अपने डैशिंग लुक्स और अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन हाल ही में उनके ऑफ स्क्रीन लुक्स ने उनके फैंस को भी कंफ्यूज कर दिया। कई मशहूर हस्तियों के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि वे ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन भी अपने आप को प्रेजेंटेबल रखें, नहीं तो वो अपने फैंस को खो सकते हैं। प्रभास जो हाल ही में आदिपुरुष की शूटिंग कर रहे हैं, अभिनेता जहां भी जाते हैं अपने सिर के चारों ओर एक स्कार्फ पहने हुए देखे गए। प्रशंसक सलार में उनके लुक को लेकर चिंतित हैं क्योंकि वही फिल्म है जिसके वह आगे शूटिंग करने वाले हैं। इससे पहले सलार के डायरेक्टर प्रशांत नील ने स्पष्ट किया है कि वो पर्सनल रूप से फिल्म के लिए प्रभास के नए रूप की देखभाल कर रहे हैं। ये नहीं भूलना चाहिए कि उनकी पिछली रिलीज राधे श्याम में अभिनेता की स्टाइल और लुक्स को सोशल मीडिया पर भारी ट्रोल किया गया था और प्रशंसक सलार में फिर से इसी बात का अनुभव नहीं लेना चाहते हैं। बता दें कि सलार में मुख्य भूमिका निभाएंगे प्रभास, श्रुति हसन और जगपति बाबू। सलार की कहानी लिखी गई है प्रशांत नील द्वारा और फिल्म को प्रोड्यूस किया है विजय किरंदूर ने। और अगर बात करें फिल्म के बजट की तो फिल्म का ओवरऑल बजट है 200 करोड़। ये फिल्म हमें 2023 के एंड तक देखने मिल जाएगी और आज के लिए बस इतना ही। अब मैं लेती हूँ आप सभी से इजाजत। वी होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो और नए कंटेंट के साथ, तब तक खुश रहें, सेफ रहें, बने रहें मेरे साथ।